रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जाके मिल ले और वक्त मत लगाना। चल मैं चल। नूरा यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को अकेली? जरूर कुछ गड़बड़ है। ये मिर्जा और साहिबा को मिलाने तो नहीं लाई है? बुमन तुम यहाँ? वही सवाल तो मेरा है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुजूर इंतजार। किसका? हुजूर आपका। मेरा क्यों?
तुम्हें कैसे मालूम मैं इधर से आता जाता हूँ? जी मैं तो आपका रोज इंतजार करती हूँ, लेकिन आप ही की नजर नहीं पड़ती मुझ पे। नजर का धोखा है, अभी पड़ गई ना। लेकिन क्यों? जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ इसलिए। जी आप नहीं करते? करता हूँ ना, सबसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे भी। अच्छा तो क्या कर सकते हो फिर मेरे लिए? कुछ भी। कुछ भी? तो जाके उस पेड़ से मेरे लिए फल तोड़कर लाओ ना। उस पेड़ से? उस पेड़ पे तो फल है ही नहीं। ढूंढने वाले तो क्या कुछ नहीं ढूंढ लेते। आप मेरे लिए फल नहीं ला सकते? आप फल खाओगी? जी हाँ, आप लाओगे तो क्यों नहीं खाऊंगी? जरूर लाएंगे। यहाँ प्यार का फूल कुछ ज्यादा ही खिल रहा है, तो कुछ करना ही पड़ेगा। चांद के उस मंडवे तले देख तो साहिबा जान, तेरे मेरे प्यार का पंछी भरे उड़ान। मैं रब का है ये फरमान। मैं जोगन के
मियाँ कैसे हैं आप? आजकल दिखाई नहीं पड़ते। सब खैरियत है समीर भाई जान, बस एक को छोड़कर। किसको? वही जो आपके घर में रहता है। अच्छा, मिर्जा की बात कर रहे हो तुम? भाई वो तो ऐसा ही है, हम लोग भी उससे कम परेशान नहीं है, लेकिन क्या करें, चाहता है। मोमन मियां, तुम्हें भी सताया क्या उसने? पूछो मत समीर भाई जान, उसके साथ साथ तो साहिबा भी सताती है। अब समीर भाई जान, बात पूछूं? पूछो। साहिबा का निकाह कब की तैयारी? अब्बू बात चला रहे हैं, जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा हम सब लोग साहिबा का निकाह कर देंगे। मोमन मियां, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो दिखाना। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, दोनों के दोनों अंधे हैं। सामने खड़ा लड़का दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह, कहाँ खो गए कुमन मियां? अबे ये खुदा हाफिज भाई जान। बिटिया, अरे अरे ये क्या, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे मेरे ऐसे कौन सा जुल्म किया है? जुल्म? उमरा के बच्चे, तुझे पूरे जहान में सिर्फ मैं ही मिली जिसके लिए तू रिश्ता लेकर आ गया। अरे इतने बड़े घर का रिश्ता लेकर आया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। खुश होना चाहिए? देख उमरा, इस बार तो तू रिश्ता लेकर आ गया, पर आइंदा अगर मैंने तुझे हवेली के चक्कर काटते देखा तो जिंदगी भर के लिए तुझे यहीं पर बांध के रखूंगी, समझा तू? मुझे खोल दो बिटिया, मुझे खोल दो। समझ गया ना? अच्छी तरह समझ गया। चल ठीक, नूरा खोल दे। अरे निकाह तो तुम्हारा वही होगा, तुम्हारी अम्मी ने जो हाँ बोल दिया है। ताहिर खान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। तो रिश्ता पक्का हो गया होगा। ताहिर खान साहब, निकाह की इतनी भी जल्दी क्या है? अरे हमने कह दिया ना, साहिबा सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मैं हूं ना, आपकी बात वहां से करके मैं आ रहा हूं, बस देखना। आप दोनों का निकाह एक महीने में ना करा दिया
तो मेरा हुजूर नाम बदल देना बस। हुजूर, आप निकाह की तैयारी कीजिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए हुजूर। आपका भाई? यूं हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा मिर्जा। बुमन आया था घर पे। भाईजान से हम दोनों की शिकायत कर। देखो मिर्जा, अगर तुमने अब भी कुछ नहीं किया ना, और भाईजान ने किसी और के हाथ में मेरा हाथ दे दिया, तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। ऐसे कैसे दे देंगे सही बात? देखा मेरा निशाना? एक के साथ कितनों को उड़ा सकता हूं? तुम्हें बुमन से डर लग रहा है ना? ठीक है, आज उस कंजर्व को ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखे। क्यों मेरी जान लेने पे तुले हो? मैं तुम्हें कह देता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम साहिबा का रिश्ता कहीं और करना चाहते हो, जबकि तुमको मालूम है कि मैं साहिबा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। तू और साहिबा, मीर समीर को मालूम पड़ गया ना तो ये तेरी गोरी गोरी ये गोरी गोरी चमड़ी निकाल करके बाजार में बिकवा देंगे। तू कहे तो नूरा से तेरे निकाह की बात जरूर चला सकता हूँ। उमरा चाचा। हाँ बेटा। एक बात बताओ। पूछो। अब मैं भी उसी गांव का। हाँ। और साहिबा भी उसी गांव की। देशक? हैं? हाँ। गांव की बात गांव में रह जाएगी, है ना? हाँ, हाँ। तो बात पक्की करो। भैया आप तो अल्लाह ही मालिक है, जब तू अपनी चमड़ी उधरवाने पर ही पड़ा है तो भला मैं उसे क्या कर सकता हूँ। हाँ। एक बात कह देता हूँ। क्या? साहिबा का निकाह मुझसे ही होगा। डरा रहा है? ये मुंह और मसूर की दाल। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम।
चौधरी, जमाल खान का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बेशक, उनको कौन नहीं जानता। इस इलाके के बड़े जमींदार हैं वो। मैं उनका इकलौता फर्जंद हूँ, ताहिर खान। आपको कौन नहीं जानता भाईजान। उमरा ने आपसे कहा होगा कि हम आपकी बहन साहिबा से निकाह करना चाहते हैं। वैसे ये बात हमारे वालिद को आपके वालिद से करनी चाहिए थी, लेकिन उमरा ने हमें बताया कि आप दोनों साहिबा से बहुत प्यार करते हैं और उसके मुस्तकबिल को खुशहाल देखना चाहते हैं। साहिबा हमारी लखते जिगर है और उमरा ने आपकी बहुत तारीफ की थी, तो अम्मी जान ने कहा कि एक बार आपसे मिल लें तो बस चले आए। यकीनन मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूंगा, वलिका बना के रखूंगा। पड़ोसी तो हम लोग हैं ही, रिश्तेदार बन गए तो एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। बेशक, इंशाल्लाह। उस रब की